बिपरजॉय का कहर, कहीं गिरे पेड़ तो कहीं उड़ गई कुर्सियां, चारों तरफ तबाही ही तबाही। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत, आपके साथ मैं हूं कनिका। ये तूफान डरा रहा है, लहरों में उफान तेज है। बिपरजॉय तूफान के जखाऊ तट से टकराने के बाद गुजरात में भारी नुकसान हुआ है। इसका असर कच्छ सौराष्ट्र के 8 जिलों में दिखाई दिया है। जगह जगह पेड़ और खंभे गिर गए। तूफान के चलते भावनगर में 2 लोगों की मौत हुई है और 22 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। गुजरात में चक्रवात का असर अभी भी बना हुआ है। कच्छ में मांडवी, नलिया, नारायण सरोवर, जाखो बंदर, मुंद्रा और गांधीधाम, अहमदाबाद समेत पूरे राज्य में तेज बारिश हो रही है। 90 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। पूरे मांडवी में 18 घंटे से बिजली नहीं है, इससे लोग बेहद परेशान हैं। पिछले 24 घंटों में कच्छ में 2 से 7 इंच बारिश हुई है। आपको बता दें कि बिपरजॉय तूफान गुरुवार शाम 6:30 बजे कच्छ के जखाऊ तट से टकराया था। लैंडफॉल आधी रात तक चला। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे रही। इससे पहले कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और मोरबी समेत तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। वहीं गुजरात में बिपरजॉय की तबाही का ये आलम है कि कहीं कहीं तो हवाएं इतनी तेज थी कि सड़क किनारे एक दुकान में रखी सारी कुर्सियां ही हवा में उड़ गई। इन तस्वीरों को देखकर किसी को भी डर लग जाए। वहीं गुजरात के द्वारका से भी तबाही की कई तस्वीरें सामने आई हैं। द्वारका में भी तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर लबालब पानी भर गया है, यातायात प्रभावित हुआ है। बड़ी बसों को भी तेज बारिश और सड़कों पर पानी भरा होने की वजह से कई दिक्कतें आ रही हैं। बिजली के कई खंभे उखड़ चुके हैं तो जगह जगह पेड़ गिरने से कई रास्ते जाम हो गए हैं। NDRF की कई टीमें जगह जगह राहत कामों में जुटी हुई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे NDRF की टीम कई सड़क पर पड़े पेड़ों को हटाने का काम कर रही है तो कहीं गिरे पड़े खंभों को उठाकर रास्ते को क्लियर करने की कोशिश में जुटी है। बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से पेड़ को काटकर रास्ता साफ करने की कोशिश में NDRF की कई टीमें लगी हुई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बिपरजॉय गुजरात से गुजरने के बाद राजस्थान में एक डिप्रेशन वाले मौसमी सिस्टम की तरह प्रवेश करेगा। इस दौरान कई इलाकों में 10 से 20 सेंटीमीटर तक बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात के साथ दक्षिण पश्चिम राजस्थान के कई इलाकों में शुक्रवार को भारी बारिश होगी और ऐसा अनुमान है कि शुक्रवार दोपहर तक तूफान कमजोर पड़ जाएगा। हालांकि शनिवार को भी इसका असर राजस्थान में देखा जा सकता है। रविवार को पूर्वी राजस्थान, उससे सटे हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। ऐसे में हम श्रेष्ठ भारत की तरफ से इन इलाकों में रह रहे लोगों से अपील करेंगे कि वो अपने घर में ही रहें, बहुत जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। नमस्कार।